एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। ये गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, जहां लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के पेड़ और पौधे थे और यहाँ की हवा बहुत ताजा थी। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना किला था। ये किला बहुत ही रहस्यमयी और अद्भुत था। लोग कहते थे कि यह किला जादुई है। यहाँ पर कई रहस्यमयी घटनाएं घटती थीं, जिनका कोई भी हल नहीं निकाल पाया था। कोई नहीं जानता था कि इस किले को किसने बनवाया था। यह किला बहुत पुराना था और अब खंडहर में बदल चुका था। गांव में एक साहसी लड़का रहता था, जिसका नाम वीर था। वीर बहुत ही निडर और जिज्ञासु था। वीर को नई नई जगहों पर जाना बहुत पसंद था। उसे हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की तलाश रहती थी। एक दिन वीर ने सोचा, क्यों ना आज इस रहस्यमयी किले की सैर की जाए। उसने इस किले के बारे में बहुत कहानियां सुनी थी। वीर ने अपना बैग उठाया। उसने अपने साहसिक यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर ली। उसने पानी की बोतल और कुछ बिस्कुट उसमें रखे। उसे पता था कि जंगल में उसे भूख और प्यास लग सकती है। उसने अपने साथ एक छोटी सी टॉर्च भी रख ली। उसे अंदेशा था कि किले के अंदर अंधेरा हो सकता है। सूरज की किरणें पेड़ों से झांक रही थीं। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था। वीर ने जंगल में प्रवेश किया। जंगल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसके कदम तेज थे और उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था। वीर को इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार था और वह जानना चाहता था कि किले के अंदर क्या छिपा है। जैसे जैसे वीर आगे बढ़ता गया, जंगल घना होता गया। हर कदम के साथ पेड़ों की छाया और गहरी होती गई और रास्ता और भी संकरा। पेड़ ऊंचे और घने थे। उनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं, मानो एक विशाल छतरी बना रही हों। धूप मुश्किल से ही नीचे तक पहुंच पा रही थी। केवल कुछ किरणें ही पत्तों के बीच से छन कर नीचे आ रही थीं, जिससे जंगल का फर्श धुंधला और रहस्यमय लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। सिर्फ पक्षियों की आवाजें कभी कभी सुनाई देती थीं। उनकी चहचहाहट इस मौन को और भी गहरा बना रही थी। आखिरकार वीर को किला दिखाई दिया। वह बहुत विशाल था। उसकी ऊंचाई और भव्यता ने वीर को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। उसकी दीवारें ऊंची और मजबूत थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे सदियों से खड़ी हों, हर तूफान और युद्ध का सामना करते हुए। दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई थी। हर नक्काशी एक कहानी बयां कर रही थी, जो इस किले के गौरवशाली इतिहास की गवाही दे रही थी। किले का मुख्य द्वार बहुत बड़ा था। उसकी भव्यता और मजबूती ने वीर को प्रभावित किया। वह लोहे का बना हुआ था और उस पर जंग लगी हुई थी। यह द्वार समय की मार झेल चुका था, फिर भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था। वीर ने गहरी सांस ली और द्वार की तरफ बढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, मानो उसे किसी अनजाने रहस्य का सामना करना हो। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, वह अपने आप खुल गया। वीर हैरान रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। क्या यह किसी जादू का असर था या फिर कोई पुरानी तकनीक? वीर के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वीर धीरे धीरे किले के अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम गूंज रहे थे। किला अंदर से और भी विशाल था। यहां एक बड़ा सा आंगन था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। सब कुछ शांत और सुनसान था। वीर ने अपने कदम आंगन में बढ़ाए। उसे हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी। एक कमरे से अचानक एक आवाज आई। वीर चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वीर ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। वीर ने झांक कर अंदर देखा। उसकी आंखों में उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट थी। यह एक बहुत बड़ा कमरा था। कमरे की भव्यता ने वीर को मंत्रमुग्ध कर दिया। कमरे की दीवारों पर सुंदर तस्वीरें लगी हुई थीं। हर तस्वीर में एक अलग कहानी छिपी हुई थी। तस्वीरों में राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारी दिखाई दे रहे थे। उनकी पोशाकें और आभूषण बहुत ही शानदार थे। वीर तस्वीरों को देखकर हैरान रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। तस्वीरों के लोग हिल रहे थे। वे जीवित लग रहे थे, जैसे किसी जादू ने उन्हें जीवन दे दिया हो। वे आपस में बातें कर रहे थे। उनकी आवाजें कमरे में गूंज रही थीं। वीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह जादू था या फिर कोई सपना? तभी वीर ने देखा कि एक तस्वीर में एक छोटा सा लड़का फंसा हुआ है। लड़का रो रहा था। उसकी आंखों में दर्द और अकेलापन था।
वीर को उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि उसे किसी तरह उस लड़के की मदद करनी चाहिए। उसने तस्वीर को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां तस्वीर के पास पहुंची, उसे एक हल्की सी बिजली का झटका महसूस हुआ। जैसे ही वीर ने तस्वीर को छुआ, वह तस्वीर से बाहर आ गया। लड़का बहुत डरा हुआ था। उसने वीर को धन्यवाद दिया। लड़के ने बताया कि वह इस किले में खो गया था। वीर ने लड़के से उसका नाम पूछा। लड़के ने बताया कि उसका नाम राजू है। वीर ने राजू से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। वीर और राजू कमरे से बाहर निकले। उन्होंने आंगन में देखा कि एक पेड़ पर कुछ लिखा हुआ है। वीर ने पास जाकर देखा। पेड़ पर लिखा था, मुझे पानी दो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। वीर ने अपनी पानी की बोतल निकाली और पेड़ को पानी दिया। पेड़ ने पानी पिया और खुश हो गया। उसने अपनी शाखाओं को हिलाया और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक सुरंग थी। सुरंग अंधेरी और डरावनी थी। वीर ने अपनी टॉर्च जलाई। उसने राजू से कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। वीर और राजू सुरंग में घुस गए। सुरंग में ठंडी हवा चल रही थी। उन्हें अपनी आवाजें गूंजती हुई सुनाई दे रही थीं। वे डर रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे थे। सुरंग बहुत लंबी थी। वीर और राजू काफी देर तक चलते रहे। आखिरकार उन्हें सुरंग का दूसरा सिरा दिखाई दिया। वे तेजी से आगे बढ़े। सुरंग का दूसरा सिरा एक बगीचे में खुलता था। बगीचा बहुत सुंदर था। यहाँ तरह तरह के फूल खिले हुए थे। वीर और राजू बगीचे को देखकर हैरान रह गए। बगीचे के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था। ताले में एक चाबी लगी हुई थी। चाबी हीरे की बनी हुई थी। वीर को समझ आ गया कि यह कोई साधारण चाबी नहीं है। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर चाबी को घुमाया। ताला खुल गया। वीर और राजू ने मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। मंदिर के अंदर एक सोने का सिंहासन था। सिंहासन पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। व्यक् ति के हाथ में एक जादुई छड़ी थी। वीर समझ गया कि यह कोई और नहीं बल्कि इस किले का जादूगर है। जादूगर ने वीर और राजू को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, तुम दोनों बहुत बहादुर हो, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। जादूगर ने अपनी छड़ी से इशारा किया। वीर और राजू किले के बाहर आ गए। किला गायब हो गया। वीर और राजू ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वीर ने राजू को उसके घर पहुंचाया। राजू के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने वीर को धन्यवाद दिया। वीर ने राजू को गले लगाया और घर वापस आ गया। वीर को इस साहसिक कार्य से एक महत्वपूर्ण सीख मिली। उसने सीखा कि साहस और चतुराई से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। उसने यह भी सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी